राधे राधे फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और आज मेरी छुट्टी है, तो मुझे थोड़ा घर का काम भी करना है, अपने रूम का मतलब सारे रूम का, क्योंकि आज मुझे छुट्टी है, बाकी लोग तो अपनी जॉब पे हैं। सो आज का काम है ये पूरे घर की साफ़ सफाई करना। तो साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का वैक्यूम मिलता है, क्योंकि ये अपना फर्श है, फर्श मतलब मैट है, और मैट पे हम झाड़ू नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इस टाइप का वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना पड़ता है। ओके, क्योंकि ये जो सरफेस है उस पे अपने जो भी डस्ट वगैरह होते हैं वो पूरे चिपक जाते हैं, तो जब आप झाड़ू लगाओगे तो ये निकलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इस टाइप का वैक्यूम यूज होता है, ये पूरा उसको खींच लेता है और आराम से बस आप इसको ऑपरेट करते रहो। तो आज वही काम है मुझे। सफाई हो गई, बस उसको आपको बाहर निकाल के अलग से रख लेना है, और ये जो वायर है उसको यहाँ से प्रेस करो, अपने आप रख खींच लेता है। बहुत इजी है सफाई करना इसे, तो बहुत जल्दी हो जाता है। और आज ये फर्श की सफाई करनी है, और जो अपना टाइल्स है उसके ऊपर तो रोज झाड़ू हम लगाते ही हैं, और साथ ही साथ ये जो बेडशीट वगैरह है वो आफ्टर 2 वीक हम हमेशा धोते हैं। तो कैसे धुलाई होती है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है यहाँ का बाथरूम, यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है, उसमें मुझे अपना वैक्यूम रखना है। इस टाइप से यहाँ पे ये सेट हो गया, और बाकी जो भी नहाने वगैरह का सामान होता है वो सब यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा हुआ है। मीन्स जब भी सुपरमार्केट में कोई ऑफर वगैरह होती है तो हम परचेस कर लेते हैं कि आराम से हमारा 3-4 महीने का काम चल जाए। उसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं जो कि आज धुलाई होंगे। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि फर्श पर यहाँ पे वैक्यूम कैसा लगता है, बट ये जो टाइल्स है उस पर वैक्यूम हम लगा सकते हैं, बट वैक्यूम लगाने के बाद भी थोड़े थोड़े डस्ट रहते ही हैं। सो अपना देसी इलाज ये झाड़ू। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और अब मेरा काम है सारे घर की जितने भी कपड़े हैं उनकी सफाई का। मीन्स मेरे रूम का, फिर जो बाजू में है उनके रूम का, उसके बाद जितने भी यहाँ पे रूममेट्स रहते हैं उनके सारे कपड़े को धोना, मीन्स हाथ नहीं धोना, मशीन में डालना। और मशीन यहाँ पे किस टाइप का होता है, मतलब इंडिया जैसे ही होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट लोगों को या फिर जो रहते हैं वो लोग अपने कपड़े वगैरह कैसे धोते हैं और कहाँ पर सुखाते हैं। अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह रेडी कर लिए हैं, अभी जा रहा हूँ मैं इनको वॉशिंग मशीन में डालने। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन घर के अंदर नहीं है, घर से बाहर है, जो कि कॉमन में यूज़ करना होता है। अभी मुझे जाना है बाहर, और बाहर अभी ठंडी का मौसम है, बट ऊपर में बादल है तो अभी इतनी ठंडी फील नहीं हो रही, और अभी हवा भी नहीं चल रही, तो आप देख सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो वॉशिंग मशीन के पास, उसमें फिर सारे कपड़े वगैरह डालूँगा। देखिए यहाँ पे इस टाइप का कपड़े सुखाने के लिए बना होता है स्टैंड, और यहाँ पे दूसरे के और कपड़े डाले हुए हैं। यहाँ पर और भी हैं जिनका काम चल रहा है वॉशिंग मशीन का, हमारा वॉशिंग मशीन
ये वाला है, इसमें मुझे कपड़े डालने हैं। सो इसमें मैंने सारे कपड़े डाल दिए, अभी मुझे इसमें ये लिक्विड डाल देना है। ये लिक्विड की प्राइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $1.5। इसका प्लग मुझे पीछे से ढूंढना है, लाइक दिस। तो ये प्लग है, तो ये प्लग किसी ने 5 नंबर पे लगाया हुआ है, मुझे ये 4 नंबर पे लगाना है। और ये स्विच प्रेस, स्विच प्रेस करने पे यहाँ पे लाइट वगैरह आ जाती है, वे आई नहीं है। सो पावर का मैं टर्न ऑन करूँगा और जस्ट ये स्टार्ट है। ये वॉशिंग मशीन थोड़ा बहुत पुराना टाइप का है, बट अच्छा है कि हमें ये यूज़ करने को मिला है। स्टार्ट हो गया है, आवाज़ आ रही है अंदर से, तो ये आराम से सूख जाएगा। और उसके बाद ये जो लिक्विड है और ये बकेट, ये दोनों मैं यहीं पे छोड़ दूंगा कि जब 1 घंटे के बाद जब मैं इसको लेने आऊँगा कपड़े, तो इसमें कपड़े साइड डाल दूँगा। और फिर मैं ये जो कपड़े का स्टैंड है उस पर मैं सुखा दूंगा। और अब ऊपर में बादल है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बारिश नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए किस टाइप का बना होता है। ये देखिए मेटल का फ्रेम है पूरा, और ये पूरी रस्सी है, मतलब मेटल की रस्सी जो भी आप बोल सकते हो, और बहुत स्ट्रांग है। और ये जो हैंडल आपको दिख रहा है, ये हैंडल से आप ये जो इसकी हाइट है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हो, मतलब वो ऊपर नीचे ये में कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा घर है वो पीछे से कैसा दिखता है। ये देखिए पीछे बहुत सारा सिर्फ हरियाली हरियाली है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है वो बारबेक्यू के लिए की है। यहाँ पे एक टेबल वगैरह रखा हुआ है कि आप पार्टी वगैरह कर सकते हो। और ये है घर जो पीछे से ऐसा दिख रहा है, आगे से तो आपको मैंने एक दो वीडियो में भी दिखाया है। और वहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं जो यहाँ पे रहता हूँ वो इंडियन स्टूडेंट के साथ ही रहता हूँ, मीन्स मैं भी इंडियन हूँ और मैं गुजरात से हूँ, और जो भी मेरे साथ रहते हैं वो भी गुजरात से ही हैं। और पिछले 1 महीने से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, रीज़न ये था कि जो स्टूडेंट हैं उनका सबका असाइनमेंट वर्क चल रहा था, और उन्होंने मेरा लैपटॉप लिया हुआ था अपने काम करने के लिए। तो मैंने सब वीडियो तो लिए हैं अपने मोबाइल में रखे, बट मैंने उनको अभी एडिट नहीं किया, इसलिए अपलोड भी कर नहीं पाया। अभी उनका एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो गया है और उनके असाइनमेंट वगैरह भी सब ख़त्म हो चुके हैं। सो आज वो थोड़े मॉर्निंग में फ्री थे, तो मैंने उनको भेज दिया है सब्ज़ी मंडी। मैं वहाँ पे जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह खरीदेंगे, फ्रूट वगैरह लाएंगे, और फिर अपना आगे काम चलेगा। और जो शनिवार और रविवार मीन्स सैटरडे संडे को मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ, तो घर के जो भी काम है इस टाइप के वो सब मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बोलता, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट्स का पार्ट टाइम जॉब होता है तो वो उसमें बिजी होते। और यहाँ पे जो भी मेरे साथ रहते हैं वो नेचर के बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। मीन्स अभी तक कभी ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि जो मीन्स रूममेट्स के बीच में होता है। सो थैंक गॉड कि मुझे ऐसे रूममेट्स मिले हैं कि अपने घर जैसा फीलिंग होता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं भी गुजरात का हूँ और वो लोग भी गुजरात के ही हैं। सो खाना बनाना, खाना, किचन की सफाई करना, कपड़े धोना, वैक्यूम लगाना, साफ़ सफाई करना, बाथरूम क्लीन करना वगैरह वगैरह सब मिल बांट के कर लेते हैं। और जो भी अपना राशन पानी लाना होता है वो सब भी हम आपस में ही ये डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बस पीछे का आपको ये सीन दिखाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पर कभी कभी शाम को आता हूँ तो पीछे पूरी सिटी है। सिटी मतलब दूसरे सबब है, सिटी तो मेरे इस साइड है, यहाँ जाओगे तो इसके बाद सिटी है और यहाँ पे दूसरे सबब है। तो उनमें लाइट्स इतनी जलती है जैसे इंडिया में दिवाली के दिन जैसा रात को लगता है वैसे यहाँ पे रोज़ लगता रहता है। सो अभी तो उनको मैंने भेजा है सब्ज़ी लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, तो अभी वो आएंगे, फिर क्या क्या लाते हैं फ्रूट्स और सब्ज़ी में तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और अभी मेरा यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी चालू है तो वो भी अभी
चल रहा है काम। आपको यहाँ पर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो किचन है यहाँ पे, किचन का जो गीला कचरा होता है वो हम इसमें रखते हैं और जो भी घर का सूखा कचरा होता है वो हम इसमें रखते हैं। लाइक दिस, गीले कचरे को हमने भी खाली कर दिया है, इसमें ले लिया है मैंने। इसको फेंकने के लिए अलग से डस्टबिन है और ये जो सूखा कचरा है उसको फेंकने के लिए अलग से डस्टबिन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्लैक ये प्लास्टिक लगा देते हैं कि जब भी निकालना हो तो हम इजीली हम इसको निकाल सकें और इजीली हम डस्टबिन में फेंक दें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह कैसे होती है और कैसे हम इसको फेंकते हैं। ये है मेरा मेन रोड, इसके राइट में जाएंगे तो वॉशिंग मशीन मिलता है और इसके लेफ्ट में अगर मैं जाऊं तो यहाँ से डस्टबिन का जो प्लेस है वो मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे हैं डस्टबिन, इसमें हमें अपना कचरा वगैरह रखना पड़ता है। सो ये है गीले कचरे के लिए, ये ब्लू जो भी आप बोलो, तो इसमें मैं इसको डाल दूंगा। और लोगों ने कचरा डाला हुआ है। और ये है सूखा कचरा, इसको मैं ये येलो वाले में रखूंगा। इस टाइप से ये मैंने कचरा पीछे रख दिया है और यहाँ पे कचरा लेने वाली जो ट्रक है वो आएगी मंडे को, मंडे मॉर्निंग 4:30 और 5 o'clock के बीच में आ जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो जितने भी डस्टबिन है, डस्टबिन को ये रोड के यहाँ इस साइड में आप रख दो। तो इस साइड में रखने पे होगा क्या कि जो भी ट्रक आएगी वो ऑटोमेटिक वो डस्टबिन को वहाँ से उठा लेगी और खाली करके दोबारा यहाँ पे रख देगी। आपको बस वहाँ से उठा कर दोबारा अपने पीछे जगह पर रख देना है। अब ये करता कौन है, करता वो है जो सुबह उठ कर याद कर पाए कि आज मंडे है और डस्टबिन को बाहर रखना है। अगर कोई याद नहीं कर पाता तो वो वहीं का वहीं रहता है, बट ऐसा होता नहीं, कोई ना कोई बाहर में रख ही देता है और ऊपर में भी लोग रहते हैं। अभी मैंने सारे कपड़े वगैरह डाल दिए रस्सी पे, मीन्स लोहे की रस्सी पे, सो आप देख सकते हो। और ये घूमता भी है, बस आप इसको घुमाकर चारों साइड से कपड़े वगैरह सुखा सकते हो। और ये बकेट को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, बाकी ये भी यहीं पे छोड़ दूंगा। जब आऊंगा तो इसे मैं वापस अपने जो क्लिप है वो रख दूंगा, इसको बस मैं भी ले लेता हूँ। अभी मेरे रूममेट्स सब्जी मंडी से आए हैं और ये दो ट्रॉली में सब्जी लेकर आए हैं। यहाँ पे इस टाइप की ट्रॉली मिलती है सामान वगैरह लेके आने के लिए, जाने के लिए। तो इसमें सब्जियाँ हैं और इसमें क्या क्या सब्जियाँ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है धनिया, उसके बाद प्याज, उसके बाद ये टमाटर, फिर ये गोभी, फिर आलू, फिर शिमला मिर्च, ये बैंगन और ये फ्रूट। सो इतनी सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर के लिए आई हैं। उसके अलावा ये ट्रॉली ख़त्म, फिर यहाँ पे ये दूसरी ट्रॉली, इसमें क्या क्या है लाए हैं ये लोग देखते हैं। ये है प्याज, जो आपको पता है कच्चा प्याज। फिर है ये कैबेज, उसके बाद ये है पालक, इस टाइप का पालक मिलेगा आपको। फिर ये है बीन्स, ये है मेरा फ्रूट ऑरेंज, फिर ये दूसरा फ्रूट जो ये इस टाइप का है होता है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो खाने में अच्छा लगता है। फिर ये अगेन टमाटर, के बाद ये दूसरा फ्रूट,
फिर ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस एवोकाडो। हर कोई इसको खाना पसंद करता है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, बट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा खा लेता हूँ। ये अगेन फ्रूट, ये केला, छोटे केले भी मिलते हैं, बड़े केले भी मिलते हैं। आई भी इसकी बनती है सब्जी, मुझे नहीं आती सब्जी बनाने, जो लाए हैं शायद उनको आती होगी तो वो बनाएंगे। फिर ये तो छाता, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, ये दोबारा बीन्स, और ये जी पूरा खत्म। सो इतनी सब्जियाँ आई हैं और फ्रूट्स में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ तीन चार फ्रूट्स हैं, बट एक एक का काम हो जाएगा, और इतनी सब्जियों में हमारे पूरे रूम्स का काम आराम से चल जाएगा। क्योंकि होता ऐसा है कि मैं 3 बजे या अपना 3:30 बजे तक घर पे आ जाता हूँ, फिर मैं रात का खाना बना देता हूँ और सुबह लेकर जाने के लिए भी मैं अपना पैक कर लेता हूँ, और जो मॉर्निंग में उठते हैं वो बाकी का दिन का खाना बनाते हैं। तो इस टाइप का पूरा काम चलता रहता है, एक वीक का काम हो जाता है, और कभी कभी सब्जियाँ हमारे ये बच भी जाती हैं, तो जो सब्जियाँ बच जाती हैं उनको हम अगले वीक यूज़ कर लेते हैं। और ये पूरी सब्जियों का टोटल प्राइस अराउंड $20 to $25 हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।